नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल सक्सेस गुरु मंत्रा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, पिछले वीडियो में हम गद्य काल पढ़ रहे थे और हमने भारतेंदु जी और प्रताप नारायण मिश्र जी के बारे में पढ़ लिया था। अभी हम आज बात करेंगे बालकृष्ण भट्ट जी। उसके पहले मैं अंतिम बाला जी को सीमा सोनी जी, दीपक कुमार जी, राम लखन यादव जी, अमूल जी, अमूल सहाय जी, इला शुक्ला जी, श्रीन जी, रिधिका जी, देवेश जी को, मोनू त्रिपाठी जी, किरण यादव जी, इंद्रभूषण जी, मधु राजपूत जी, सानवी कपूर जी, उपदीप जी, सीमा जी, दीपाली यादव जी, कंचन लता जी, विकास जी, कुबरी कलाम जी, दीपाली यादव जी, हिंदी साहित्य जी, पंकज सिंह जी, रीना यादव जी, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगी। धन्यवाद करना चाहूंगी उन सभी लोगों का जो अपने प्यारे प्यारे कमेंट्स देके मेरा हौसला बढ़ाते हैं और जो मेरे वीडियोस को अपना देखते और कुछ सीखते हैं। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। बालकृष्ण भट्ट जी की बात कर लेते हैं। बालकृष्ण भट्ट जी का जन्म प्रयाग में संवत 1901 और परलोकवास 1971 में हुआ था। ये प्रयाग के कायस्थ पाठशाला कॉलेज संस्कृत के अध्यापक। उन्होंने संवत 1933 में अपना हिंदी प्रदीप गद्य साहित्य का ठर्रा निकालने के लिए ही निकाला। हिंदी प्रदीप पत्रिका निकाली थी उन्होंने, गद्य साहित्य का ठर्रा निकालने के लिए ही उसको शुरू किया था। सामाजिक, साहित्यिक, राजनीतिक, नैतिक सब प्रकार की छोटे छोटे गद्य प्रबंध ये अपने पत्र में 30 वर्ष तक निकालते हैं। हिंदी प्रदीप 30 साल तक चला था। उनके लिखने का ढंग प्रताप नारायण मिश्र जी के ढंग से मिलता जुलता है। ध्यान रखिएगा ये चीज, बालकृष्ण भट्ट जी का जो लिखने का ढंग है वो प्रताप नारायण मिश्र जी के ढंग से थोड़ा मिलता जुलता है। मिश्र जी के समान भट्ट जी के भी स्थान स्थान पर कहावतों का प्रयोग करते पर उनका झुकाव मुहावरों की ओर कुछ दिखाया करता था। व्यंग और वक्रता उनके लेखों में भी भरी रहती थी और वाक्य भी कुछ बड़े बड़े होते थे। ठीक खड़ी बोली के आदर्श का निर्वाह भट्ट जी ने किया है। पूर्वी प्रयोग बराबर मिलते हैं। समझा बुझा के स्थान पर समझाए बुझाए हुए प्रायः लिखे जाते। उनके लिखने का ढंग से ये जान पड़ता है कि वे अंग्रेजी पढ़े लिखे नव शिक्षित लोगों को हिंदी की ओर आकर्षित करने के लिए लिख रहे हैं। स्थान स्थान पर ब्रैकेट में घिरे अंग्रेजी शब्द पाए जाते हैं, मतलब अंग्रेजी में भी वो बता देते थे अगर ना समझ पाए तो। इसी प्रकार अरबी, फारसी अरबी के लफ्ज ही नहीं बड़े बड़े फिरके तक भट्ट जी अपनी मौज में आकर रख दिया करते थे। इस प्रकार उनकी शैली में निराला पंचगत था। प्रताप नारायण मिश्र के हास्य विनोद से भट्ट जी की हास्य विनोद की विशेषता ये है, इसमें कुछ चिड़चिड़ाहट ये रहता है, मतलब किसी से चिड़चिड़ जब हम चढ़ जाते हैं तब जो व्यंग करते हैं इनमें वो शैली पाई जाती है। पदव्यन्यास भी कभी कभी उनका बहुत ही चोखा और अनूठा होता है। अनेक प्रकार के गद्य प्रबंध भट्ट जी ने लिखे हैं पर सब छोटे छोटे। ये बराबर कहा करते थे कि ना जाने कैसे लोग बड़े बड़े लेख लिख रहा। मुहावरों की सूझ उनकी बहुत अच्छी थी। आंख, कान, नाक आदि शीर्षक देकर उन्होंने कई लेखों में बड़े ढंग के साथ मुहावरों की जड़ी बांध दी। एक बार वे मेरे घर पधारे थे, मेरे मतलब शुक्ल जी के। मेरा छोटा भाई आंखों पर हाथ रखे उन्हें दिखाई पड़ा। उन्होंने पूछा, भैया आंख में क्या हुआ? उत्तर मिला, आंख आई। विचट बोल उठे, ये आंख भी बड़ी बला है, इसका ना आना जाना, उठना बैठना सब बुरा है। अनेक विषयों पर गद्य प्रबंध लिखने के अतिरिक्त हिंदी प्रदीप द्वारा भट्ट जी ने संस्कृत साहित्य और संस्कृत के कवियों का परिचय भी अपने पाठकों को समय समय पर कराते रहे। पंडित प्रताप नारायण मिश्र और बालकृष्ण भट्ट जी ने हिंदी गद्य साहित्य में वही काम किया जो अंग्रेजी गद्य साहित्य में एडिशन और स्टील ने किया। इसीलिए आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि हिंदी में का एडिशन किसे कहा जाता है, तो हम जवाब प्रताप नारायण मिश्र, जब हिंदी का स्टील पूछा जाता है तो बालकृष्ण भट्ट देते है ना, इसीलिए क्योंकि शुक्ल जी ने कहा है। ध्यान रखिएगा, भट्ट जी की लिखावट के दो नमूने देखिए। चलिए नमूने देख लेते हैं। कल्पना यावत मिथ्या और दरोग के किबले कहा, इस कल्पना पिशाचनी का कहीं और छोड़ किसी ने पाया है?
अनुमान करते करते हैरान गौतम ने मुनि गौतम कड़ा तो तिनका खा खा कर तिनका बीनने लगे, पर मन भावनी कन्या कल्पना का पार ना पाया। कपिल बेचारे 25 तत्वों की कल्पना करते करते कपिल अर्थात पीले पड़ गए। व्यास जी ने इन तीनों दार्शनिकों की दुर्गति देख मन में सोचा, मन इस भूतनी के पीछे दौड़ता फिरे, ये संपूर्ण विश्व जिसे हम प्रत्यक्ष देख सुन सकते हैं वे सब कल्पना ही कल्पना, मिथ्या नाशवान और सर्वभंगुर अतीव हेय है। ठीक है, चलिए बात करते हैं आत्मनिर्भरता की। इस 50-60 वर्षों में अंग्रेजी राज्य के अमन चैन का फायदा पाए हमें देश वाले किसी की भलाई की ओर न जो वरन देश वर्ष 10 वर्ष की गुड़ियों का ब्याह कर पहले से ड्योढ़ी दूनी सृष्टि अलबत्ता बढ़ाने लगे। हमारे देश की जनसंख्या अवश्य घटनी चाहिए। देखिए ये समस्या तब की आत्मनिर्भरता में दृढ़ अपने कुबते बाजू पर भरोसा रखने वाला पुष्ट वीर पुष्ट बल भाग्यवान एक संतान है। कूकर सूकर से निकम में रग रग में दांत भाव से पूर्ण पर भोग्य जीवी 10 किस काम के, पर लोग कहाँ समझते हैं। चलिए निबंधों के अतिरिक्त भट्ट जी ने कई छोटे मोटे नाटक भी लिखे हैं जो क्रमशः उनकी हिंदी प्रदीप में छपे हैं, जैसे कलीराज की सभा, रेल का टिकट खेल, बाल विवाह नाटक, चंद्रसेन नाटक। उन्होंने माइकल मधुसूदन दत्ता के पद्मावती और समिष्टा नामक बंग नाटक के 2 अनुवाद नाटकों का अनुवाद भी निकाले। ठीक है, संवत 1943 में भट्ट जी ने लाला श्रीनिवास दास के संयुक्ता स्वयंवर नाटक की सच्ची समालोचना भी लिखी और पत्रों में उसकी प्रशंसा ही प्रशंसा देकर की थी। उसी वर्ष उपाध्याय पंडित बद्री नारायण चौधरी ने बहुत ही विस्तृत समालोचना अपनी पत्रिका में निकाली थी। इस दृष्टि से सम्यक समालोचना का सूत्रपात इन्हीं 2 लेखकों से समझना चाहिए। समालोचना का सूत्रपात हो गया है ना। चलिए बात करते हैं उपाध्याय बद्री नारायण चौधरी की। चौधरी जी का जन्म मिर्जापुर के एक अभिजात ब्राह्मण वंश में कृष्ण 6/1912 को, मृत्यु फाल्गुन शुक्ल 14/1989 को हुई। उनकी हर एक बात से रईसी था। बातचीत का ढंग उनका बहुत ही निराला और अनूठा था। कभी कभी बहुत ही सुंदर वक्रता पूर्ण वाक्य उनके मुंह से निकलते थे। लेखनी कला में उनके सिद्धांत के कारण उनके लेखों में ये विशेषता नहीं पाई जाती है। ये भारतेंदु के घनिष्ठ मित्रों में थे और बेस भी उन्हीं का सा रहते थे, मतलब जैसे कपड़े लगते भी वैसे ही पहनते थे। उपाध्याय पंडित बद्री नारायण चौधरी प्रेम धन की शैली सबसे विलक्षण। ये गद्य रचना को एक कला के रूप में ग्रहण करने वाले, कलम की कारीगरी समझने वाले लेखक। पंक्तियां इम्पोर्टेंट है। महाप्रभुने बद्री नारायण चौधरी जी के बारे में कि ये कला को गद्य रचना को कला के रूप में ग्रहण करते थे, कलम की कारीगरी समझते थे। दो चीजें याद रखेगा। कभी कभी ऐसे पेचीले मजमून बांटते थे कि पाठक एक एक डेढ़ डेढ़ कालम के लंबे वाक्य में उलझा रह जाता था। अनुप्रास और अनूठे पद विन्यास की ओर भी उनका ध्यान रहता था। किसी बात को साधारण ढंग से कहे जाने को ही वे लिखना नहीं कहते थे। फिर कोई लेख लेकर जब तक कई बार उसका परिष्कार और मार्जन नहीं कर लेते थे तब तक छपने नहीं देते थे। ये भी इनकी विशेषता है चौधरी जी की, याद रखिएगा। भारतेंदु के वे घनिष्ठ मित्र थे पर लिखने में वे उतावलेपन की शिकायत अक्सर करते हुए उनके मतलब दोस्त थे लेकिन बताते थे कि वो काफी उतावलेपन से लिखते हैं। वे कहते थे कि बाबू हरिश्चंद्र अपनी उमंग में जो कुछ लिख जाते हैं यदि उसे एक बार और देख कर परिमार्जित कर लिया करते तो और भी सुडौल और सुंदर हो जाता। एक बार उन्होंने मुझसे कांग्रेस के दो दल हो जाने पर एक नोट लिखने को कहा। मैंने जब लिख कर दिया तो उस वाक्य को पढ़कर कहने लगे इसे यूं कर दीजिए, दोनों दलों की दलादली में दलपति का विचार भी दलदल में फंसा रहा। बहुत सुंदर भाषा अनुप्रासमयी और चुहचुहाती हुई होने पर भी उनका पद विन्यास वर्ध के आडम्बर के रूप में नहीं होता था। उनके लेख अर्थगर्भित और सूक्ष्म विचार पूर्ण होते। लखनऊ के उर्दू का जो आदर्श था वही उनकी हिंदी का था।
देखिए जो पति है ये बहुत महत्वपूर्ण है, पूछ ली जाएगी चौधरी जी की पत्नी तो आप भी फंसे रह जाएंगे। दोनों दलों की दलादली में दलपत का विचार भी दलदल में फंसा रहा। ध्यान रखिएगा चौधरी जी की एक कंपनी चलिए आगे चलते। चौधरी साहब ने कई नाटक लिखे हैं भारत सौभाग्य कांग्रेस के अवसर पर खेले जाने के लिए सन 1988 में लिखा गया था। ये नाटक विलक्षण है, पात्र इतने अधिक और इतने प्रकार के हैं कि अभिनय दुस्साह की समझ। भाषा भी रंग बिरंगी है, पात्रों के अनुकूल रूप उर्दू मारवाड़ी पैसवाड़ी भोजपुरी पंजाबी मराठी बंगाली सब कुछ मिलेगा। मतलब इतनी भाषाओं का कहीं ना कहीं इतनी बोलियों का उनको बेसिक नॉलेज तो था ही। नाटक की कथा वस्तु है पद इकबाल हिंद की प्रेरणा से 1957 का गदर अंग्रेजों का अधिकार की पुनः प्रतिष्ठा और नेशनल कांग्रेस की स्थापना। नाटक के आरंभ में के दृश्यों में लक्ष्मी सरस्वती और दुर्गा भारत से प्रस्थान भारतेंदु के पैदान विदेश चले जाए अधिक पारी से अधिक काव्योचित और मार्मिक। ये सपने में गलत हो गया, पैदान विदेश चले जाए यही अधिकारी है ये भक्त। और नाटक के शुरू में चौधरी जी ने दिखाया है कि भारत से लक्ष्मी सरस्वती और दुर्गा तीनों ही प्रस्थान करके जा रहे है ना, ये बहुत ही काव्योचित और पार्थिक। प्रयाग रामागमन नाटक में राम का भरद्वाज आश्रम पहुंचकर आतिथ्य ग्रहण, इसमें सीता जी की भाषा ब्रज रखी गई है। वीरांगना रहस्य महा नाटक अथवा वैश्य विनोद महानाटक दोनों एक ही है। दूरदर्शन ट्रस्ट समाज का चित्र खींचने के उन्होंने सम्बन्ध 1947 से ही उठाया और थोड़ा थोड़ा करके समय समय पर अपनी आनंद कादंबरी को निकालते रहे पर पूरा नहीं कर सके। देख लीजिए इसका चौधरी जी का वीरांगना रहस्य महा नाटक पूरा नहीं है, पूरा नाटक जिसमें जगह जगह पर श्रृंगार रस के श्लोक कवित सवैये गजल से आदि रखती है। विनोदपुर प्रेक्षक तो अनेक प्रकार के ये अपनी पत्रिका में बराबर निकालते रहते हैं। सच पूछिए तो आनंद कादंबरी प्रेम ने अपने ही उमड़ते हुए विचारों भावों को अंकित करने के लिए बता दी और लोगों के लेख उसमें नहीं के बराबर ही रहते। इस पर भारतेंद्र जी ने एक बार उसे कहा था कि जनाब ये किताब नहीं है जो आप अकेले ही हर काम फरमाया करते हैं, बल्कि अखबार है जिसमें अनेक जन लिखित लेख होना आवश्यक है और यह भी जरूरत नहीं है कि सब एक ही जगह के लेखकगण हो। आपकी पत्रिका में किस शैली की भाषा लेकर चौधरी साहब मैदान में आए, इसको दिखाने के लिए हम उनके आरंभ काल के संबंध 1938 की एक संख्या के कुछ अंश नीचे देते हैं। परिपूर्ण पावस हेडिंग, जैसे कि देशाधीश के प्राप्त होने से देश का रंग ढंग बदल जाता है तद्रूप पावस के आगमन पर इस सारे संसार ने भी दूसरा रंग पकड़ा। भूमि हरी भरी होकर नाना प्रकार की भाषाओं से सुशोभित भई, मानो मारे मोद के रोमांच की अवस्था को प्राप्त भई। सुंदर हरित पत्रावलियों से भरित तरुगनों सुहाग की लताएं निपट निपट कर मानो मुग्ध मयंकों को अपने प्रियतमों के अनुराग लिंगन से विधि बतला। इनसे युक्त पर्वतों के श्रृंगों के नीचे सुंदरी दरी समूह के स्वच्छ श्वेत जल प्रवाह में मन पारा की धारा और बिल्लौर के धार को कुछ कर युगल पास की हरी हरी भूमि को जो मारे हरेपन के श्यामता की झलक दे अलग की शोभा लाई है। बीचों बीच मांग सी गाड़ के मांग दिया और पत्थर की चट्टानों पर सुम्बुल अर्थात हंसराज की चट्टानों का फैलना बिखरी हुई चट्टानों के दावट निकाला। कादंबनी में समाचार का कभी कभी बड़ी रंगीन भाषा में लिखे जाते। संवत 1942 की संख्या का एक स्थानिक संवाद थी, मतलब यहाँ पे ये समाचार है, देखिए किस तरह से लिखा है। दिव्य देवी श्री महारानी बढ़हर लाख झंझट झेल और चिरकाल पर्यंत बड़े बड़े उद्योग और पेल से दुख के दिन सकेल, अचल कोर्ट का पहाड़ ढकेल फिर गद्दी पर बैठने। ईश्वर का भी क्या खेल है कि कभी तो मनुष्य पर दुख की रेल पेल और कभी उस पर उसी पर सुख की रेल हो।
पीछे जो उनका साप्ताहिक पत्र नागरी नीरज निकला, उसके शीर्षक भी मर्षक हास्य रूपक हुए, जैसे संपादकीय संबद्ध समीर, प्रेरक कला विकलव कला विकलरव, हास्य हस्त हास्य हस्ताक्षर, वृत्तांत कला कला काबल, काव्यामृत वर्षा, विज्ञापन वीर बहुतियां वाहनियम निर्घोष। बहुत बढ़िया, देख लीजिएगा, ये नागरी नीरज के शिक्षक है, अगर तब पूछ लिया तो आपको याद हो। समालोचना का सूत्रपात हिंदी में एक प्रकार से भट्ट जी और चौधरी साहब ने किया था, पर बहुत महत्वपूर्ण है, पूछी जाती है। समालोचना का सूत्रपात एक प्रकार से हिंदी में भट्ट और चौधरी साहब ने किया था। समालोच्य पुस्तक विषयों का अच्छी तरह से विवेचन करके गुण दोष का विस्तृत निरूपण की चाल उन्होंने चलाई। बाबू गदाधर सिंह ने पद्म विजेता का जो उत्पाद किया था, उसकी आलोचना कादंबरी में कई पांच पृष्ठों में हुई। लाला श्रीनिवास दास के संयोगिता संवाद स्वयंवर की बड़ी विस्तृत और कठोर समालोचना चौधरी जी ने कादंबरी के 21 पृष्ठों में निकाली। उसका कुछ अंश नमूना नीचे दिया गया, देख लेते। यद्यपि इस पुस्तक की समालोचना करने के पूर्व इनके समालोचकों और समालोचनाओं की समालोचना करने की आवश्यकता जान पड़ती है। जब हम इस नाटक की समालोचना अपने बहुतेरे सहयोगियों और पुत्रियों और मित्रों को करते देखते हैं, तो अपनी ओर से जहाँ तक खुशामद और चापलूसी का कोई दर्जा पाते हैं, शेष नहीं छोड़ते, है ना। नाट्य रचना के बहुतेरे दोष हिंदी रचना ने अपनी सच्ची समालोचना में दिखाए। नाटक रचना के जो भी दोष होते हैं, वो उन्होंने समालोचना द्वारा सच्ची समालोचना में दिखाया है, जिसने हिंदी पढ़ी। अतः उसमें हम विस्तार नहीं, हम केवल वहाँ अलग अलग उन दोषों को दिखाना चाहते हैं जो प्रधान और विशेष। तो जानना चाहिए कि यदि संयोगिता स्वयंवर पर नाटक लिखा गया, तो इसमें दृश्य स्वयंवर न रखना मानो इस कविता का नाश कर डालता है। यही उसमें वर्णीय विषय है। नाटक के प्रबंध का कुछ कहना ही नहीं, एक गवार भी जानता होगा कि स्थल परिवर्तन के कारण गर्भाध की आवश्यकता होती है, अर्थात स्थान बदलने में पर्दा बदला जाता है और इसी पर्दे को बदलने को दूसरा गर्भाध मानते हैं। सो आपने एक ही गर्भाध में तीन स्थान बदल डाले। गर्जे की इस सफ़े की कुल स्पीचें मर्चेंट ऑफ वेनिस से ली गई। पहले तो मैं ये पूछना चाहता हूँ कि विवाह में मुद्रिका परिवर्तन की रीत किस देश में नहीं बल्कि यूरोप की है। मैंने माना कि आप शकुंतला को दुष्यंत की मुद्रिका देने का प्रमाण देंगे, तो वो परिवर्तन ना था किंतु महाराज का अपना स्मारक, महाराज ने अपना स्मारक चिन्ह दिया। एंगेजमेंट नहीं हुई, उन्होंने अपने याद के लिए एक अंगूठी दी थी। गएगा अब तो भैया एंगेजमेंट के बिना शादियां होती नहीं। लाला श्रीनिवास दास के पिता मंगली लाल मथुरा के प्रसिद्ध सेठ लक्ष्मी चंद के मुनि क्या मैनेजर फिर दिल्ली में रहा गया। वहां श्रीनिवास दास का जन्म संवत 1908 में, मृत्यु 1944 में। भारतेंदु के समसामयिक लेखकों में उनका भी एक विशेष स्थान था। उन्होंने कई नाटक लिखे। प्रहलाद चरित 11 दृश्यों का एक बड़ा नाटक है, पर उसमें संवाद आदि रोचक नहीं है, भाषा भी अच्छी है। रक्त संवरण नाटक 1974 के हरिश्चंद्र मैगजीन में छपा। पीछे सन 1883 में, सॉरी अगर मैंने यहाँ 1800 बोल दिया, 1874 में हरिश्चंद्र मैगजीन छपा था, पीछे से यानी बाद में 1883 में पुस्तकाकार प्रकाशित हुआ, जिसमें तृप्ता और संवरण की पौराणिक प्रेरणा था। संवरण ने तृप्ता के ध्यान में लीन रहने के कारण गौतम मुनि को प्रणाम नहीं किया। इस पर उन्होंने श्राप दिया कि जिसके ध्यान में तुम मग हो वह तुम्हें भूल जाए। फिर सदैव होकर श्राप का परिहार उन्होंने बताया कि अंग स्पर्श होते ही उसे तुम्हारा स्मरण हो जाए। लाला जी के रणधीर प्रेम मोहिनी नाटक भी उस समय अधिक चर्चा हुई। पहले नाटक यह नाटक संभव 1934 में प्रकाशित हुआ और इसके साथ ही भूमिका जिसमें नाटकों के संबंध में कई बातें अंग्रेजी नाटकों की दृष्टि पर प्रकट लिखी।
यह स्पष्ट जान पड़ता है कि नाटक उन्होंने अंग्रेजी नाटकों के नाम पर लिखा। लड़के प्रेम मोहिनी का नाम रोमियो जूलियट की ओर ध्यान ले जाता है ना। रणधीर और प्रेम प्रेम मोहिनी और जूलियट की तरफ कहीं ना कहीं हमारा ध्यान चला जाता है। कथा वस्तु भी इसकी सामान्य प्रथानुसार पौराणिक या ऐतिहासिक नाम पर कल्पित, पर यह वस्तु कल्पना मध्य युग के राजकुमार राजकुमार के क्षेत्र पटना पाटन का राजकुमार है और सूरत की राजकुमारी, पर दृश्यों में देश कालानुसार सामाजिक परिस्थिति का ध्यान नहीं रखा गया है। मतलब दृश्यों में जिस तरह का देश काल सामाजिक परिस्थिति होनी चाहिए उसका ध्यान नहीं रखा गया है। कुछ दृश्य तो आजकल के समाज को सामने लाते हैं, कुछ मध्य युग के और कुछ प्राचीन काल के, जब स्वयंवर की प्रथा प्रचलित। मतलब जब नाटक लिखते हैं तो किस काल के समय पे लिखा जा रहा है इसका ध्यान दिया जाना चाहिए, पर इसमें उसका ध्यान नहीं दिया गया। तीनों काल यानी प्राचीन, मध्य और आधुनिक तीनों को के समाज का उसमें दर्शन हो जाता है। पात्रों के अनुरूप भाषा रखने के प्रयत्नों में मुंशी जी की भाषा इतनी घोर उर्दू कर दी गई है कि केवल हिंदी पढ़ा व्यक्ति एक पंक्ति भी नहीं समझ पाए। कहा स्वयंवर और कहा ये मुंशी जी। जैसा कि ऊपर कहा गया है कि यह नाटक अंग्रेजी नाटकों के ढंग पर लिखा गया था, प्रस्तावना भी नहीं रखी गई थी। दूसरी बात यह कि यह दुखांत नाटक है। भारतीय रूपक के क्षेत्र में दुखांत नाटकों का प्रचलन न था, इसकी अधिक चर्चा का एक कारण ये भी था। चर्चा में होगा जब कोई चीज फेमस होती है या नोटोरियस होती है, दुखांत था इसलिए अधिक चर्चा पाया। पहली बार दुखांत नाटक लिखा गया। लाला जी की संयोगिता स्वयंवर नाटक सबसे पीछे का, मतलब सबसे बाद का। ये पृथ्वीराज द्वारा संयोगिता का हरण कर प्रचलित प्रवाद लेकर देखा गया। श्रीनिवास दास ने परीक्षा गुरु नाम का चक्रवर्त उपन्यास लिखा। वे खड़ी बोली की बोलचाल के शब्द और अच्छे मुहावरे अच्छे लगते। उपरोक्त चारों लेखकों की प्रतिभा सारियों का मनमोहिपन पर लाला श्रीनिवास दास व्यवहार में लक्ष्य और संसार का ऊंचा नीचा समझने वाले मनमोहन नहीं तथा उनकी भाषा संयम और साफ तथा रचना बहुत कुछ सो उद्देश्य होती, मतलब कुछ ना कुछ उद्देश्य होता था। परीक्षा गुरु के कुछ अंश नीचे दिए जाते। मुझे आपकी ये बात बिल्कुल अनोखी मालूम होती है। भला परोपकारा की शुभ कामों का परिणाम कैसे बुरा हो सकता है? पंडित पुरुषोत्तम दास जैसे अन्य प्राण आधार परम अति पूजन से रोग उत्पन्न देखिए, परोपकार की इच्छा अत्यंत उपकारी है, परम हद से आगे बढ़ने पर भी वह फिजूल खर्ची भी समझी जाएगी और अपने कुटुम्ब परिवार आदि का सुख नष्ट हो जाएगी। जो आलसी अथवा गर्मियों की सहायता की तो उससे संसार में आलस और पाप की वृद्धि होगी। इसी तरह उपाकुल भक्ति होने से लोग पंडित दोनों नष्ट हो जाएंगे। न्यायपरता यद्यपि सब तृथियों की समान रखने वाली है, परंतु इसकी अधिकता से भी मनुष्य का स्वभाव मिलनसारी नहीं रहता, क्षमा नहीं रहती। जब बुद्धि वृद्धि के कारण किसी वस्तु के विचार मन अत्यंत लग जाएगा तो और जानने लायक पदार्थों जो होंगे और जानने लायक पदार्थों की अज्ञानता बनी रहेगी। अनुसांगिक प्रवृत्ति के प्रबल होने के जैसा संकोप वैसा रक्त लग जाएगा। ऊपर के उदाहरण में अंग्रेजी उपन्यासों के ढंग पर भाषण के बीच में या अंत में अमुक ने कहा है, अमुक के कहने लगे ध्यान देने लगे। खैरियाधुरी की इस प्रथा का अनुसरण हिंदी उपन्यासों में नहीं हुआ। महात्मा जी के मित्रों में कई बातों में उन्हीं की सी तबीयत रखने वाले विजय राघवगढ़ के यानी मध्य प्रदेश के राजकुमार ठाकुर जगमोहन सिंह जी, उनका जन्म श्रावण शुक्ला 14 संवत 1914 और मृत्यु 1956 यानी मार्च सन 1899 में। आधुनिक काल में आकर यहाँ पर अक्सर देखिए हमको यहाँ सुप्रतीत गुप्त संघ देखने को मिलता है।
फिर शिक्षा के लिए कुछ दिन काशी में रखे गए थे। वहां उनका भाग्य दूसरे के साथ मेलजोल हुआ। वे संस्कृत साहित्य और अंग्रेजी के अच्छे जानकार तथा हिंदी के एक प्रेम पत्र और माथुर के पूर्ण दर्जे लेखक। प्राचीन संस्कृत साहित्य का अभ्यास और विंध्यावती के रमणीय प्रदेश निवास के कारण विविधा भावमय प्रकृति की खूब माधुरी जैसी सच्ची परख जैसी सच्ची अनुभूति उसमें मुझे वैसे उस काल की किसी हिंदी कवि या निबंध में नहीं पाई जाती। अब तक जिन लेखकों की चर्चा हुई उनके हृदय में इस भूखंड की रूप माधुरी के प्रति कोई सच्चा प्रेम संस्कार नहीं था। परंपरा पालन के लिए चाहे प्रकृति का वर्णन उन्होंने किया हो पर वहाँ उनका हृदय नहीं होता। ठाकुर जगमोहन सिंह के प्रकृति वर्णन की विशेषताएं बता रहे हैं। अपने हृदय पर अंकित भारतीय ग्राम जीवन के माधुर्य का जो संस्कार ठाकुर साहब ने अपने श्यामा स्वप्न में व्यक्त किया सरसता निराल बाबू हरिश्चंद्र पंडित प्रताप नारायण मिश्र आदि कवियों और लेखकों की दृष्टि और हृदय की पहुंच मानव क्षेत्र तक प्रकृति के अपर क्षेत्रों तक नहीं पर ठाकुर जगमोहन सिंह ने नर क्षेत्र के सौंदर्य को प्रकृति के और क्षेत्रों के सौंदर्य से मेल में देखा। भक्ति बहुत महत्वपूर्ण है, ध्यान रखिएगा। ठाकुर जगमोहन सिंह ने नर क्षेत्र के सौंदर्य को प्रकृति के और क्षेत्र सौंदर्य के मेल में देखा। प्राचीन संस्कृत साहित्य के रुचिकर संस्कार के साथ भारत भूमि की प्यारी रूपरेखा मन में बसाने वाले तो पहले हिंदी लेखक जहाँ पर बस इतना ही कहकर उनके श्यामा स्वप्न का एक तरफ से खंड नीचे देती हूँ। आप भी देख लीजिए उनका प्रकृति वर्णन। नर्मदा के दक्षिण गंडका वृंड का एक देश दक्षिण कोसल नाम से प्रसिद्ध यही मत हमें के एक गंडका वंश का तासो पावस देश के विंध्यावती कहता मैं वहां तक के सुंदर देश का वर्णन करूँ जहाँ निर्झरणी जिनके तीर बनीर के फिरे मदकल कुंजित विहंगमों से शोभित हैं, जिनके फूल से स्वच्छ और शीतल जलधारा बहती है और जिनके किनारे के श्याम जम्बू के निकुंज फल भास से नामित किए जाते हैं। सब मानव का सप्लाय मानव का छत जहाँ सन्न की वृक्षों की छाल में हाथी अपना पदक प्रगट अगर को पिछले निकालते हैं और उसमें से निकला सब वर्ग के शीतल समीप को सुशोभित कर रहा है। मंजु मंजुल की लता और नील निंजुल के निकुंज जिनके पत्तों के ऐसे सघन जो सूर्य की किरणों को भी नहीं निकलते इस तट पर शोभित ऐसे तटका अपने प्रदेश में भगवती चित्रोत्पला जो लोकपल की झोपड़ियों और मनोहर पहाड़ियों के पीछों पर बैठते हैं गंगा व्रत नाम के पर्वत से निकलकर अनेक दुर्गम विषम और असम भूमि के ऊपर बहुत तीर्थों और नगरों को अपने पुण्य जल से पावन कर इसी नदी के अनेक जंगली गांव बसे मेरा गांव इस सबों में से उत्कृष्ट और श्रेष्ठ जनों से था। इसके नाम को ही सुनकर तुम जानोगे कि वह कैसा सुंदर था। इस पावन अभिराम ग्राम का नाम श्यामापुर जहाँ आम के आराम पटकों और पवित्र यात्रियों को विश्राम और आराम दे पुराने टूटे फूटे देवालय इस ग्राम की प्राचीनता को साक्षी ग्राम के सीमांत के झाड़ झुंड के झुंड कौए और बगले के बगले बसेरा देते कमाई की शोभा बताते फटे और गोलूली के समय गायों के कुरों से ऐसे छा जाते मानो कोहरा गिरता ऐसा सुंदर ग्राम जिसमें श्याम सुंदर स्वयं विराजे मेरा जन्म स्थान। देखिए अपने जन्म स्थान को बताने के लिए कितना सुंदर वर्णन किया। कवियों के पुराने प्यार की बोली में देश की दृश्यावली सामने रखने का खूब समर्थन तो इन्होंने किया ही है साथ ही भाव की प्रबलता से प्रेरित कल्पना के विक्रम और विक्षेप अंकित करने वाली एक प्रकार की प्रलाप शैली दिखाई जिसमें रूप विधान का विलक्षण प्रधान था ताकि सब विधान अच्छा होता यदि इस शैली का स्वतंत्र रूप से विकास होता
तब अंग साहित्य में प्रचलित शैली का शब्द रूप प्रधान जो हिंदी पर बहुत कुछ काल चढ़ाई कर रहा है और अब काव्य क्षेत्र में अतिक्रमण कर कभी कभी अपना विषय निरूपक निबंध तक का अर्थ ग्रास करने को दौड़ता है शायद ना होगा अगर ये शैली प्रचलित हो जाए। इस मिनट का वीडियो हो गया है तो सर आगे की बात हम अपने अगले वीडियो में आपका साथ बनाए रखने के लिए प्यार के लिए अच्छे अच्छे कमेंट्स के लिए और शुक्ल जी को समर्थन देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार। कमेंट्स करते रहिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर कर दीजिएगा। बहुत लाइक करने में आप बहुत कर दीजिए और शेयर कर दीजिएगा।